कौन कौन सी मशीनें हैं और किसान भाइयों के लिए कैसे उपयोगी हैं आप बताएं। देखिए सर, ये हमारा ये जो मशीन है 13 इंची में गुड़ाई करने वाली है। जी जो मेरा किसान भाई कहता है कि हमें देखिए पेपरमेंट में चलाना है, मक्के में चलाना है या गन्ने में चलाना है, जो 13 इंच की जो हमारी जगह होती है चलाने लायक, उनके लिए मेरा किसान भाई, छोटा किसान भाई वो ले सकता है वो उसको। और निराई गुड़ाई करने के लिए काफी आसान है और हल्की भी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें हमने जो इंजन दिया 2 स्ट्रोक इंजन दिया है, 52 सीसी का दिया है इसमें। जी और सर ये बटन क्या है, इसके बारे में बता दीजिए, ये सब क्या है? ऑफ करने के लिए बटन है, ये एक्सीलेटर दिया है जी इसमें। जी इसमें 2 पहिए दिए हैं, जो देखिए इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 2 पहिए दे दिए हैं। जी इसमें देखिए जो रोटावेटर दिया हुआ है, हैवी कार्बन क्वालिटी के ब्लेडों के साथ में, और हमने इसमें 13 इंची का ब्लेड दे दिया है इसका। जी यानी सर सब्जी के बीज में निराई गुड़ाई करने के लिए बेस्ट है। जी बिल्कुल जी जी। और इसका क्या प्राइस रहने वाला है हम आखिरी में जानेंगे, और उसके बाद ये मशीन आती है इसके बारे में बताएं, काफी अच्छी भी लग रही है देखने में। देखिए ये मशीन है जो हमारी, ये सर आपको 4 स्ट्रोक के इंजन में 4 HP में। जी मेरा किसान भाई कहता है कि सर हमें 4 स्ट्रोक इंजन में हमको मिनी वीडर दिखा दीजिए, तो हमने किसान भाई की समस्या देखते हुए 4 स्ट्रोक में ये लॉन्च कर दिया है। जी सर इसका ये क्या है, ये आपने क्या लगा रखा है डब्बा? एयर क्लीनर हमने ऊपर लगा रखा है कि धूल मिट्टी ये उड़े तो ये यहीं जमा कर ले। जी इंजन आ नहीं सके इसको। ठीक है सर। सर इसका फ्यूल कंजम्पशन क्या है बता दीजिए, और इसका भी फ्यूल कंजम्पशन हमने नहीं जाना है इसका भी बता दीजिए। देखिए उसका बात करूं तो 1 लीटर पेट्रोल में 1 घंटे में 1 बीघा की गुड़ाई कर देगा जी। ठीक है सर। ऐसे ही इसका मैं बात करूं 18 इंच चलेगा रोटावेटर है इसका, 18 इंच चलने वाला है जी। अब इसका फ्यूल की बात करें तो 1 घंटे में ये आपको 1 लीटर पेट्रोल लेगा जी। और एक आपके कार्य के बात करें तो 1 घंटे में 1 बीघा की गुड़ाई करने वाला है जी। जो अपने अब जैसे हम गन्ने में खड़े हुए हैं, ठीक है, तो गन्ने के बीच में हमारी ये जगह है, ये हमारी पौधे से पौधे दूरी है, तो हम आराम से इसमें गुड़ाई करेंगे जी। जी आपको आप डेमो भी देंगे साथ में जी, तो इसमें हम आराम से चला सकते हैं जी। सर इसमें क्या है कि इसमें एक ही अटैचमेंट जो लगा हो वही चल सकता है, लेकिन इसमें अटैचमेंट लगा सकते हैं जी। कौन कौन सा अटैचमेंट लगा सकते हैं सर? हम इसकी बात करें अटैचमेंट की, इसमें हम रिज्जर रखा हुआ है, जो ज्यादातर मेरा किसान भाई रिज्जर ही चलाता है जी। तो इसमें रिज्जर भी चल जाएगा, कल्टीवेटर भी चल जाएगा 3 फाल का, और आप लेवलर मिट्टी समतल करने वाले भी चला सकते हो जी। यानी किसान भाइयों मैं ये कह सकता हूँ ना कि आगे आप जुताई कीजिए और पीछे रिज्जर लगा करके आप मिट्टी चढ़ा सकते हैं, जमीन को भुरभुरा कर सकते हैं, इस तरह के काम ये इस मशीन से कर सकते हैं जी। बिल्कुल जी। अगर कोई छोटा किसान भाई इस मशीन को ले लेता है तो उसके सारे काम इससे हो जाएंगे जी। जी जी बिल्कुल जी। सर इसके जैसे दिखने वाली ये दूसरी मशीन है, ये इससे कैसे अलग है इसके बारे में बताएं। अब ये ऐसे अलग है जी इसका, देखिए जी रोटावेटर हुआ ये सेम अपना, लेकिन इंजन की क्वालिटी है वो अलग है इसकी। इंजन ये 2 स्ट्रोक में दे दिया है 3 HP में जी। इसका 4 स्ट्रोक इंजन है, इसमें 3 HP में 2 स्ट्रोक इंजन दे दिया है। ठीक है सर। क्योंकि हमें इसमें, अगर मेरा किसान भाई अगर कहता है कि हम पे कम पैसा है, थोड़ा बजट कम है किसान भाई का, तो वो किसान भाई इसका 2 स्ट्रोक को ले सकता है जी। तो इसमें किसान भाई को 1 लीटर पेट्रोल में हर बार 40 ml ट्यूटियल डालना पड़ेगा जी। अगर किसान भाई नहीं डालेगा तो इंजन भी सीज हो सकता है जी। तो किसान भाई को इसको इसमें इंजन में ट्यूटियल डालना पड़ेगा जी। और ट्यूटियल डालने के बाद इंजन की जो है वो पावर भी बढ़ जाती है जी। जी बिल्कुल। पेट्रोल में मिक्स करना है मेरे किसान भाई को जी। इसमें भी हम रिज्जर कल्टीवेटर लेवलर तीनों अटैचमेंट चला सकते हैं जी। यानी कि जैसे हमने इसमें देखा ना कि ये हिच लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे ये हिच लगा हुआ है, वैसे सेम यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे भी जो है अटैचमेंट आप यहाँ से लगा सकते हैं जी। बिल्कुल जी जी। और सर इसका जो क्लीनर है इसको भी ऊपर दिया हुआ है जी। विद्धि देखिए मेरा किसान भाई ज्यादा से ज्यादा ध्यान किस बात का रखे, इंजन की लाइफ के लिए। मेरा किसान भाई कहता है कि मेरा इंजन सीज हो गया, खराब हो गया जी सर। तो मेरा किसान भाई का काम हो गया, चलो 1 घंटा चला लिया मेरे किसान है। ठीक है। 1 घंटे चलाने के बाद मेरे किसान भाई को इसमें 2 ईयर दे रखे हैं जी, फर्स्ट और सेकंड जी। इसमें से देखिए किसान भाई को मैं बता देता हूँ जी, इसमें देखिए ये निकलता है जी, ये तो मेरा किसान भाई को ये ऐसे इस तरीके से साफ कर लेना है चलाने के बाद में, और एक इसमें से निकलेगा जी, तो वो ये हमको किसान भाई ये जरूर साफ करने चलाने के बाद में, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी होती है, धूल मिट्टी इनमें जमा हो जाती है, वो इंजन में जाएगी तो इंजन सीज हो जाएगा जी। तो मेरा किसान भाई को इनका ज्यादा ध्यान रखना है सफाई का इसका जी। यानी जो सर आप कह रहे हैं कि इंजन सुरक्षा के लिए लगा हुआ है, इसको नियमित अगर आप अच्छे से साफ करेंगे तो आपको जो इंजन है वो हेल्दी रहेगा और लंबे समय तक चलेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। और इसको हमें जैसे जान लिया कि जो मशीनें हैं लगभग सेम जैसी हैं, वो कम किसान जो छोटे किसान बजट के हिसाब से इनको जो है खरीद सकते हैं 2 स्टॉक और 4 स्टॉक।